तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परियों का नाम आते ही आंखों के सामने भल्लाल देव का रथ दौड़ने लगता है। भाई पापा की परी स्कूटी में क्या बैठती है? परी परी नहीं रहती, बल्कि काले भैंसे पे बैठी यमराज बन जाती है, जिससे स्वयं तुम्हें यमराज भी नहीं बचा सकते। यही वजह है क्या इंसान, क्या कुत्ते, क्या हाथी, गैंडा जैसे विशाल और खतरनाक जानवर भी पापा की परी के दहशत से भागे भागे फिर रहे हैं। भाई पापा की परियां वो शिकारी चील हैं जो अपने शिकार को तब तक देखती है जब तक उसका शिकार ना कर ले, और जैसे ही शिकार दिखा परियां। देखा आपने कैसे दो यमराज ने शिकार करने के चक्कर में अपने भैंसों को आपस में ही भिड़ा दिया, पर शिकार जरूर किया। सच में भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। भाई ये पापा की परियां तो फिर भी आपस में ही भिड़ रही हैं, कुछ पापा की परियां तो सीधा ट्रेन से भिड़ जाती है। सबसे अलग सबसे असली जिस्म कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। देखा आपने, बेचारा ट्रेन वाला भी डर की वजह से ट्रेन को अंधाधुन भगा रहा है। वो तो अच्छा हुआ पापा की परी की स्कूटी बंद हो गई, नहीं तो ये पापा की परियां आज ड्राइवर के साथ ट्रेन को भी समेट के ले जाती। और भाई इन पापा की परियों को सुअर दबोचने की इतनी जल्दी होती है कि परी स्कूटी में बैठी नहीं कि उनकी स्कूटी दोनों टांगे हवा में उठा के सीधा धावा बोल देती है। A few moments later. Woman. देखा आपने, पापा की परी स्कूटी में बैठी नहीं कि स्कूटी ने दोनों टांगे हवा में उठा के सुअर दबोचने को तैयार हो गए। अब भाई इनके आगे अब सुअर आए या हाथी आए या गैंडा, ये सबको पेल देगी। भाई पापा की परियों की इन्हीं हरकत की वजह से कुछ लौंडे बदला लेने के लिए घात लगा के बैठे होते हैं, और जैसे ही पापा की परी आई लौंडे। A few moments later. देखा आपने इस पापा की परी के सताए लौंडे को, जैसे ही देखा तीन परियां शिकार पे निकली है, इस माँ के मगरमच्छ ने उनके जाल में उनको ही फंसा दिया और सीधा छोटी गंगा में कुदा दिया। पर भाई कभी कभी लौंडों का ये दाव उल्टा ही पड़ जाता है और वो पेलने की बजाय खुद ही पिल जाते हैं। देखा आपने, हमारे माँ के मगरमच्छ भी कहाँ कम है। अरे भाई इतनी अंधी तो परियां भी नहीं होती जितना ये माँ का मगरमच्छ है। मतलब भाई ने ना आओ देखा ना ताओ सीधा गोता मार दिया छोटी गंगा में। नहीं सही है भाई, और भाई हमारे लौंडो के साथ खिलवाड़ी होता है, अब इसी भाई को देख लो। सबसे अलग सबसे असली जिस्म कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। नहीं तुम्हें भी यही लगा था ना कि आगे जो लड़की है वो गिरेगी, मुझे भी यही लगा था, पर यहाँ तो भाई के साथ बलात्कार हो गया। अब भाई क्या करे, हम लौंडों के साथ ऐसा ही होता है। और भाई इन पापा की परियों को इतनी जल्दी होती है कि इनके आगे कोई भी बाधा आ जाए ये रुकती नहीं। देख रहे हो इस मैडम को, इतनी जल्दी है कि ये बैरियर से भी हाथापाई करने लगी। वो तो अच्छा हुआ बैरियर की जगह यहाँ कोई इंसान नहीं है, नहीं तो मैडम जिस हिसाब से बैरियर से जिद्दोजहद कर रही है ना, उस हिसाब से इंसान की तो छाती पे स्कूटी चढ़ा के निकल जाती, पर रुकती नहीं। और वहीं हमारे लौंडे इतने शरीफ होते हैं कि चाहे खुद का पतीला फूट जाए पर पहले दूसरों को जाने देते हैं।
बाजीगर सबसे अलग सबसे असली जिसम कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे। बंदे ने बकायदे हाथ जोड़े कि भाई साहब आपको पेलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पिल जाऊंगा पर आपको नहीं पेलूंगा। बस यही फर्क होता है हम लौंडों में और पापा की परियों में। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फॉलो करें झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को। और अगर आप भी माँ के मगरमच्छ पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, हम जल्द ही माँ के मगरमच्छ के ऊपर भी वीडियो लाएंगे। और दोस्तों थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट लेजी गेमर को भी दिखा दे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाओ यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।